नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक मोड़ते हैं आज की टॉप 20 खबरों की ओर। नवनीत राणा बुधवार को हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, जहां उन्होंने 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाने वाला बयान दिया। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने दो उम्मीदवारों की लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य को झटका लगा है। भारत को लेकर रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। उसने कहा कि भारत के चुनाव में अमेरिका दखल दे रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर टिप्पणी के मामले में बयान दिया है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि संदेश खाली में हजारों महिलाएं पीड़ित है। वहां जो महिलाएं सामने आई, लोगों को सिर्फ उनके बारे में पता चला। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने सामने आकर अपनी बात नहीं कही वे पीड़ित नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है। पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटा, फिर उत्तर दक्षिण के नाम पर बांटा। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस के लगभग 25 कर्मचारियों को काम पर नहीं आने के कारण बर्खास्त कर दिया है और उनके व्यवहार के कारण हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। कांग्रेस नेता राहुल आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे, जहां वह दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल शाम 4 बजे सुबह के मेडक और मलकाजगिरी में रैली करेंगे। आज शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार वितरण समारोह होगा। 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी कहते हैं, यह चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। हमारे पास एक पीएम का चेहरा है और वह मोदी का है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आलोक सिंह ने कहा कि कंपनी चालक दल के सदस्यों की अनुपलब्धता से निपटने के लिए अगले कुछ दिनों के लिए उड़ानों में कटौती करेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक दुखद घटना सामने आई है। पुलवामा जिले के झेलम नदी में मजदूरों को लेकर जा रही नाव पलट गई। इस हादसे में कई अभी तक मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। हज यात्रा 2024 के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान आज से शुरू हो गई। इसी के चलते आज हज यात्रा की पहली फ्लाइट देर रात 2:20 पर उड़ान भरेगी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में मृत पाए गए अनुज कुमार का दूसरा पोस्टमार्टम करने की बुधवार को अनुमति दे दी। हरियाणा में बीजेपी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, वे कांग्रेस के पाले में गए हैं। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अनमोल बिश्नोई ने दोनों शूटरों से कहा था कि वो पुण्य का काम करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफिले का पीछा करने के मामले में मुंबई पुलिस ने 30 साल के शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। विवादित टिप्पणी के बाद निशाने पर आए कांग्रेस नेता सेम पुत्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बुधवार को इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया। भारतीय शेयर बाजार की मिलीजुली शुरुआत हुई है और सेंसेक्स मामूली तेजी के साथ खुला है, लेकिन निफ्टी में गिरावट देखी जा रही है। सुपरस्टार सलमान खान अगले साल ईद के मौके पर अपने फैंस से अपनी फिल्म सिकंदर रिलीज करने का वादा कर चुके हैं। इस फिल्म को AR मुरुगा दास और साजिद नाडियाडवाला मिलकर बना रहे हैं। रामचरण और जूनियर NTR को RRR ने पैन इंडिया स्टार बना दिया। जनता उनके आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब खबर यह है कि आने वाली फिल्मों देवरा और गेम चेंजर की रिलीज डेट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऐसी टॉप 20 खबरें जानने के लिए देखते रहिए NBC न्यूज। धन्यवाद।